हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिद्धार्थ कुरैशी, आपका होस्ट व्लॉगर विजय सार के साथ। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत कुछ सीख रहे होंगे। बैसाख और जेठ शुरू होने वाला है दोस्तों, यही वीडियोस है जो आपके काम आएंगे बैसाख और जेठ में। देखिए, आपको हर चीज़ बता रहे हैं, स्पेशली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरे वो दोस्त यार, मैं सिर्फ वो चाहता हूँ कि यार किसी के तरले ना करें। एक अपना वक्त पे चलो यार, मत जाया करना कुछ वक्त में जो पीछे गुजर गया वक्त। मैंने आपको बताया कुछ नहीं पड़ा हुआ, जाया गया सारा वक्त। और अपना वक्त आप लोग को चालें, मत जाया करना। दूसरा, उस्ताद बन जाए, किसी के तरले ना करने पड़े। मैं यकीन माने, मैं आपको स्पेशली मैं क्यों कहता हूँ, मैं किसी उस्ताद की नहीं कहता। मैंने आपको पहले बताया यार, तकबर नहीं करना। दूसरा यार, किसी तमस्कर नहीं उड़ाना किसी उस्ताद का। यार जैसा मर्जी उस्ताद की ना, उस्ताद उस्ताद है, चाहे वो आपको सिखाए कुछ ना सिखाए, वो आपको उस्ताद ही है, ठीक है। लेकिन तमस्कर वगैरह नहीं उड़ाने किसी उस्ताद का। अगर वो नहीं कबूतर उड़े तो कोई बात नहीं यार, किस्मत की बात है, नहीं उड़ते अगली दफा। शौक का शौक रखना है। अच्छा, दूसरी आज जो बात है कि जी, आज हमारी वीडियो का जो मेन जो थीम है, जो आज हमारी वीडियो है, वो है जी ठंडी खुराक। देखिए, मैंने आपको पिछले बार बताई थी कि खुराक एक तरह की होती है गर्म, एक होती है ठंडी खुराक। यार ये मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें सीख लें, आपको समझ आ जाएंगी कि यार इनका थीम क्या है। मैं आपको क्विकली एक पिछला बताता हूँ कि गर्म खुराक और आज जो वीडियो बनाना है ठंडी खुराक, फ़र्क क्या है। पिछले मैंने जी एक वीडियो बनाई थी गर्म खुराक की। दोस्तों, गर्म खुराक क्या होती है? गर्म खुराक मैंने आपको बताया था जिस तरह कि शायद दोस्त समझ रहे होंगे यार, पता नहीं तंदूर में कबूतर को रख दे तो गर्म हो जाता है या कबूतर गर्म करने का तरीका, या उसको माइक्रोवेव में कर दे को 10 सेकंड दे दे कबूतर गर्म हो जाएगा ये नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्तों। बात पता क्या है, सिंपल सी बात यह है कि नए व्यूवर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, गर्म कबूतर को करने का तरीका होता है और जो उसको खुराक बादाम की दी जाती है उसको कहते हैं गर्म खुराक। देनी कैसे थी? मैंने आपको बताया था कि दो आप तरह के पैटर्न कर लें। अगर आप 50 बादाम की बना रहे हैं तो उसके अंदर दो मनक्के बीज निकाल के उसके अंदर रगड़ लें, ठीक है। और उसके अंदर पांच दाने, मेरी एक बात याद रखिएगा, सबसे मेन बड़ी गलती गर्म खुराक में हम ये करते हैं, बड़ी इलायची, एक होती है सब्ज़ इलायची, वो नहीं, बड़ी इलायची, वो काली सी होती है ना जो पुलाव में और बिरयानी में डाल के जो बड़े मज़े से खाते हैं, वो वाली, बिल्कुल वही वाली, जब वो मुँह में आ जाए तो कहते हैं थू बिल्कुल वही वाली बिरयानी के अंदर जो आती है और टेस्ट खराब कर देती है, वो वाली। उसके सिर्फ पांच दाने लेने हैं 50 बादाम की खुराक के अंदर, वो कूट के आपने बना लेने हैं। अगर आप 100 बादाम की बना रहे हैं तो चार मनक्के बीज निकाल के उसके अंदर 10 गिनती के 10 दाने इलायची के डालते हैं, बड़ी इलायची, काली वाली इलायची के डाल के उसको खरल करके पेड़ा बना लें और उसको गोल करके गोलियां बना लें। मैं आपको बता दूं, बड़ी वाली लंबी वाली गोलियां ना बनाइएगा, आप नहीं खिला सकते। मैं नए से, मैं पुराने पापियों से नहीं देख रहा, मैं बता रहा हूँ नए वालों को बता रहा हूँ, मैं मुखातिब हूँ नए देखने वालों से। देखिए, पुराने पापियों को तो सारा पता है, गोलियां कैसे बनानी है, लंबी वाली कैसे बनानी है, गले में कैसे उतारनी है, बाद में क्या देना है, सब कुछ उनको पता है। लेकिन मैं नए वालों से मुखातिब हूँ कि यार नए वाले ये काम ना करें, क्योंकि वो गले में उतार नहीं सकेंगे, कबूतर मारना देना यार बेचारे को सांस बंद करके। चने के बराबर, चने से थोड़ी सी मोटी बना लें आप बादाम की खुराक में गोलियाँ बना लें और वो कबूतर का लगाएं, ठीक है जी। ये था जी, साथ आपने जब उसको 15-20 सी छोटी वाली गोलियाँ दे देनी है, उसके बाद आपने लौंग और हल्दी वाला दूध 20-20 सीसी साथ दूध के देके जाल में छोड़ देना है। मैं आपको क्विक रिवाइंड कर दूं, 100 बादाम हो तो चार मनक्के आपने बीज निकाल के, 50 बादाम हो तो दो मनक्के बीज निकाल के करल कर लेने हैं। बाद में सिर्फ गिन के 50 बादामों में पांच बड़ी इलायची की जो है वो दाने उसमें डाल लेने हैं, और अगर 100 बादाम है तो 10 दानों से ज्यादा बड़ी इलायची के दाने नहीं डालने। अब आप कहेंगे यहाँ पे फर्क क्या है, आपको समझ आ गई? वो जब खरल कर लेना, पेड़ा बना लेना, गरम खुराक का बता रहा हूँ, गरम बादाम खुराक का। पिछली जो वीडियो बनाई थी, आपने पेड़ा बना के छोटी छोटी गोलियां बना के कबूतर को 15-20 लगा के 15-20 सीसी 20 ml या 20 सीसी उनको आपने दूध देना है, और दूध कौन सा देना है मैंने आपको बताया था, हल्दी और लौंग वाला, 20 सीसी देखे धूप में छोड़ देना। ये थी जी गर्म खुराक। यहाँ पे सवाल आप ये कह रहे होंगे कि जी आप बड़ी इलायची इतने कम दाने क्यों डाल रहे हैं? उसका एक फायदा और एक सबसे बड़ा नुकसान सुन लें, बड़ी इलायची अगर आप दाने ज्यादा करेंगे, मसलन 20-25-30 दाने कर देते हैं, कबूतर खुर जाता है, मेरी बात याद रखें यार। देखिए, ये बड़े बड़े उस्ताद होते हैं ना, वो अपनी उस्तादी गिरियां कबूतरों पे लगाते रहते हैं, कबूतर बचा लेते हैं। आपको समझ नहीं आएगी, आप जिस जगह पे आपने वहां पे कबूतर को हल्का बाजरा दे के और हल्का रखा कबूतर, कबूतर सोखे पे आ जाएगा, खुर जाएगा, ये कबूतर को खोरती है, बड़ी इलायची के दाने ज्यादा करने से खोरती है। फायदा क्या इसका? सिर्फ 5 दाने या 10 दाने देने से फायदा ये होता है, खुराक हजम कर देती है, ठीक है। ये थी, अब आपको बता दिया, वाइंड अप जरा क्विकली किया कि ताकि समझ आ जाए कि पिछली गर्म खुराक का क्या था। अब आते हैं जी वीडियो की तरफ, ठंडी खुराक की तरफ।
जिस तरह पिछली दफा मैंने आपको बताया था दोस्तों के जहन में नए जो दोस्त हैं उनके जहन में आया था कि जी क्या कहते हैं पता नहीं रेगिस्तान भी कबूतर को लेके जाना पड़ेगा कि गर्म कर लिया कि कर रहा होगा। इसी तरह नए व्यूवर्स को मैं बता दूं ठंडी खुराक कैसे देनी है। दोस्तों ये सीख लें, सब सीख लें, अगर किसी को नहीं पता मैं कहता हूँ ये गोल्डन टिप है तो सीख लें आप लोग। कई मेरे दोस्त जो अनाड़ी यानी कि न्यू कमर्स हैं कबूतर पर भी नहीं पता नए नए आए हैं वो मेरे कहते हैं उनके यार ठंडी खुराक तो दसी जा रहे हैं पता नहीं की ठंडी खुराक पता नहीं फ्रिज दे बिच आना कबूतर ठंडा कर ले है ख्याल आता ना बंदे को कि यार नहीं कुछ लोग कहते होंगे नहीं यार फ्रिज नहीं फ्रीजर ज्यादा ठंडा होता है उसके रख दिए 15 मिनट लाई कबूतर फ्रीज हो जाए ठंडा बिल्कुल ठंडा ही हो जाए ठीक है जी। या आपके जहन में या थोड़ी सी जरा सूझबूझ जो रखते होंगे वो कहते हैं कि नहीं यार उसे कबूतर मार सकता है या वो गली भी जाता है शतूत जलेबा ठंडा ठारे या वो बोला शतूत जलेबा कबूतर को ठंडा ठार करना है। देखिए यार दोस्तों या ये एक और भी हो सकता है कईयों के जहन में आता है नहीं यार इतने बड़ी गर्मी पैंती है पाकिस्तान इंडिया तो इधर उधर सारे गल्फ के बड़ी गर्मी मैंने लगता ठंडा करने लिए कैनेडा लैके जाना पेगा उत्थे टैंपरेचर -50 होता है या मास्को ना चलिए उत्थे भी ठंडा हो सकता कबूतर। दोस्तों ये मजाक की बात ही यार इसका ये एक आउट ऑफ द वे मैं बात कर रहा था। देखिए ये नहीं है कबूतर को ठंडा करने का मतलब होता है कबूतर का जिगर ठंडा करना। मेरी आज बात सुन ले मेजोरिटी बड़ा बड़ा उस्ताद रखेगा और कबूतर ठंडा करना है। आप मुझे एक बात बताएं आपको तलखी लगी होती है कभी गर्मी लगी होती है आप घर जाके कोई अपना स्क्वैश पीते हैं कोई जूस लेते हैं या शरबत पीते हैं तो आप क्या कहते हैं यार ठंड पै गई है। और ठंड असल में बंदे को क्यों पड़ती है अंदर जिगर को ठंड पड़ती है। बेसिकली ठंडा करने का मतलब होता है कि जिगर को ठंडक मिले तो आपका ब्लड की वो जो हिद्दत या हीट है उसको ब्लड इंसान का क्या चीज बनाती है कबूतर हो इंसान हो जिगर बनाता है याद रखिएगा मेरी बात। अगली जो वीडियो है मेरी मैं मेरी बात याद रखिएगा ठंडा करके कबूतर उड़ाना कैसे है शाम तक प्रवास का नुस्खा वो बताऊंगा सिंपल इतना तरीका बताऊंगा इंशाल्लाह सारी उम्र दुआएं दोगे मेरे बाद मैं ना हूं मेरे बाद भी दुआएं देनी है। अच्छा तो ये चीज कबूतर को मुझे तो मजाक की बात हुई कैनेडा ले जाइए -50 या रूस मास्को ले जाइए उसे -50 से ठंडा हो जाएगा। अच्छा या एक और बात मेरे जहन में आई है यह जब शागिर्द जो होता है ना उस्ताद के गलत मशूरों में जब सारे कबूतर गवा देते ना तो उस्ताद आके कहता है और ठंड पै गई उन्हें तो एक इस तरह भी ठंड पड़ती है तो मैंने कहा कि ये इनका ताल्लुक नहीं है ठंड से। खैर मैं वीडियो की तरफ आता यार हम फिर मजाक की तरफ चले जाएंगे ये एक आउट ऑफ द वे बात ही ये वो आप ना ऐसा कीजिएगा ठंड ना पवाइएगा कि ठंड पै गई कलेजे तो वो वाली ठंड नहीं। हम कबूतर को आज बताएंगे जी खुराक ठंडी कैसे करनी है सेम वही पैटर्न है 50 बादाम वाली खुराक बनाएं या 100 बादाम वाली। अगर आप 150 बना रहे हैं दो दाने ज्यादा कर लें बस ठीक है। मैं आपको सिंपल वे ऑफ बता रहा हूं 50 और 100 मेजोरिटी इसी तरह खुराक बनाती है ठंडी खुराक कबूतर के लिए। बैसाख और जेठ में यही काम आनी है अब गर्म खुराक नहीं लगनी मेरी बात याद रखिएगा गर्म खुराक का काम खत्म हो गया अब सारा बैसाख जेठ ठंडी खुराक। सबसे पहले आपने लेने 50 बादाम धो उनको भिगो के। दोस्तों मेरी बात याद रखना कभी किसी के कहने पे वो कहेगा यार उबाल के कर दे छिल दे तासीर खत्म हो जाती है। ये तासीर पे डिपेंड करता है बादाम की तासीर ही कबूतर को तब लगती है जब रात के भिगोए बादाम आप सुबह छीलें। मैं पिछली दफा बताना भूल गया मेरे दोस्तों रोजे हैं रोजों के अंदर ये गंदा काम मत करना ये छील के चखने वाला रोजा टूट जाता है। कई दोस्त मेरे पता क्या कहते हैं कि बड़े और नहीं जी मकरूह होता है छोटा यार रोजा टूट जाता है इंतहाई गुनाहगारी का काम है। सारी उम्र रोजे रखता रहे ना तो रमजान शरीफ के एक रोजे की कजा नहीं होगी मेरी बात याद रखना इतना सख्त गुनाह है गुनाह से बचना मैंने बता दी अब आपको कि ये चखने वाला काम मत करना। इतना ही शौक है ना रात को चख लेना यानी कि रात पड़े रहे सुबह दिन पड़े रहे शाम अफतारी करके बाद में चख लेना उनको देने के टाइम ये काम ना करना रोजा टूट जाता है। अच्छा 50 बादाम या 100 बादाम आपने जी भिगो लिए अगले दिन पूरे दिन पड़े रहे कोई बात नहीं आप शाम को जाके आराम से रोजा इफ्तार करें आप उनको छील के चेक कर लें कोई कड़वा तो नहीं है ठीक है। अच्छा कड़वे निकाल के आपने साइड पे मार देने हैं और आपने 50 बादाम या 100 बादाम की खुराक के लिए आपने कूट देने बादाम 100 बादाम आप कूटेंगे आराम से उसको कूट लेना। अब आपने क्या करना है इस पे मनक्का नहीं डालते दोस्तों इसमें गिनती के 50 बादाम अगर आपने कूटे हैं ना यानी कि उसको अपना खुराक बनाने के लिए तो आपने 25 दाने सौंफ के डालने हैं। मेरी बात सुन लें सौंफ भी ज्यादा नहीं डालनी ये हथेली पे रखेंगे ना काउंट कर ले 25 दाने इससे ज्यादा नहीं डालने।
आपने इसके अंदर डाल के कूट लेने हैं। अगर आपने 100 बादाम की खुराक बनानी है तो 50 सौंफ के दानों से ज्यादा नहीं करना। देखें यार, इत्तेदाल पसंदी बहुत जरूरी है यार, मैं आपको बता रहा हूँ। मुनासिब जो चीज होती है ना, कबूतर को लगती भी है। 50 बादाम 25 दाने सौंफ के, 100 बादाम तो 50 दाने सौंफ के हाथ पे गिन के अंदर डाल के उसका मलीदा करल कर देना है। अच्छा, अब क्या करना है, तीसरी चीज और आखिरी चीज, बस वो काम नहीं करना आपने कि जी ओ वी पा ओने स्वाद ने दसिया सी, ओए की बस दो चीजा वो तो स्वाद ने दसिया सी, ए भी कर रहे हैं। आपने ये काम नहीं करना यार, खुराक देनी है बिल्कुल सिंपल सी खुराक देनी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने तीसरी चीज लेनी है, सब्ज इलायची। सब्ज इलायची, ग्रीन इलायची जिसको कहते हैं, ग्रीन इलायची लेके आपने क्या करना है, सिर्फ 50 उसके जो है ना, आपने इसको दांतों से क्रिच कर लेना है, रोजे के बाद, रोजे में नहीं, आपने इसको क्रिच करके जी उसके दाने निकाल लेने हैं, ठीक है। सब्ज इलायची के दाने आपने क्या करना है, 10 दाने सेम एज इट इज उसी पैटर्न पे, आपने 100 बादाम की खुराक में 10 दाने इलायची के डाल के, और 50 बादाम है तो 5 दाने सब्ज इलायची के डाल के कर देने, उसको मिक्सअप कर देना है। दोस्तों इससे ज्यादा नहीं करनी सब्ज इलायची की, मेरी बात सुन ले, फिर एक दो दाने ऊपर चले जाए कोई बात नहीं है, लेकिन ये नहीं करना 25 दाने जी है सब्ज इलायची दे आ गए या पूरी इलायची पाती बिच। देखिए यार, मैंने आपको बताया ये खुराक वाला काम बड़ा ही एक जिसे कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड होता है, आपने ज्यादा ओवर नहीं करनी डोज, ठीक है जी। आप उसको खरल करके आपने उसका पेड़ा बना लेना है, और उसकी छोटी छोटी मैंने बताया चने के बराबर गोलियां बना रही है। लेकिन ओ सॉरी, एक बात बताना भूल गया, आपको अक्सर आपने देखा होगा, हाँ अब मुझे याद आ गई बात, आपने अक्सर देखा होगा उस्ताद, ये देखिए ये स्प्रे बोतल, वो जब खरल कर रहे होते हैं ना, जब बादामों को कोटा लगा रहे थे तो पीछे ये मार रहे थे, चिच 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 चिच, आप कहते होंगे, और उस साथ कहता भी है, ओए देख यार कितने दिनों का पानी पिया, चल पा दे कबूतर है ही उड़ जाएंगे, नाले स्प्रे मर जाएगा। अच्छा, आपको पता ही नहीं है ये लोगों ने सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाया हुआ है, वो पानी होता ही नहीं है, जो लगाते हैं जिनको तो नहीं पता वो वाकई वो पानी लगाते हैं, लेकिन ये जो जितने बड़े बड़े स्वाद है ना, ये सब अरके गाउजवाल लगाते हैं, ये देखिए झूठ बोलते हैं ये सब लोग आपको पागल बनाने के लिए, ओए देख ए सिंपल जहा पानी यार एक पा देता है, ए बिच ए देखो स्प्रे करता है, सब झूठ बोलते हैं ये सब अरके गाँव जुबान डालते हैं खुराक, ठंडी खुराक के अंदर। आपको समझ आ गई, आपने क्या करना है, इस तरह की स्प्रे बॉटल लेके आपने अरके गाँव जुबान पूरी नहीं भर देनी, किधर सारा पा दे, एवं आधी से भी थोड़ा सा रख के इसमें डाल दे, ये अरके गाँव जुबान देख ले, यहां पे कृषि का सबसे अच्छा अरके गाँव जुबान पाकिस्तान में, बाकी अपना देख ले उनको जो मिलेगा, ये अरके गाँव जुबान है, जुबान जिस तरह अगर बीवी की ज्यादा चलती हो ना तो जुबान वो भी अरके गाँव जुबान ही होता है। मजाक की बात है, खैर आपको बता दिया कि जी ये अरके गाँव जुबान जो है ना, आप इसमें डाल के जब कबूतर को कर रहे हो तो 3 स्प्रे ऐसे बीच में डाल देने हैं, और अगर जरूरत हो कोई 1-2 पफ और मार देने हैं, सिर्फ पफ मारने, मेरे दोस्तों मेरी बात याद रखिएगा, सिर्फ पफ, ये ना कीजिएगा उसको भिगो दीजिएगा पानी, ये अरके का उसमें क्यों मारते हैं वो आपको साथ साथ स्वाद बता भी रहता है, वो टिप सही बता रहा होता है कि तेल ना निकले ऐसा, ऐसे नहीं थोड़ा जहा पानी से स्प्रे मारे, कभी झूठ एडा झूठ बोलनगे कहेंगे कसम ले लो पानी पता नहीं कितने दिन से पिया, वो भी पाता है देखो तुहाडे सामने शामी बैठेगा, हुन अरके का उसमें डाला होता है इन्होंने ताकि खुराक ठंडी बने। अब आपको समझ आ गया जी, ये थी ठंडी खुराक, क्विक आपको रिमाइंड कर दो ताकि यार वीडियो लंबी ना हो आज हमारी। 100 बादाम आपने लेने हैं तो उसके अंदर आपने 50 दाने सौंफ के, 10 दाने ये सब्ज इलायची, मैं सब्ज इलायची कह रहा हूँ, इधर बड़ी इलायची की तरफ ना चले जाइएगा, मैं सब्ज इलायची कह रहा हूँ। अच्छा, सब्ज इलायची क्यों जरूरी है, क्यों डालते हैं ठंडी खुराक में, क्यों डालते हैं, मैं आज आपको इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूँ, किसी आलमे दीन से पूछ लीजिएगा, सब जगह पर मैंशन हुआ हुआ है, किसी हकीम से पूछ लीजिएगा, सब्ज इलायची रोज़ों में, उलमा कहते हैं कि जी इसका आप सब्ज इलायची को च्यू कर लिया करें सहरी के वक्त, ऐ ना रोजे दे नाल तुसी च्यू करते रहो सहरी में, जब रात को सहरी करते हैं ना, एक इलायची लेके चबा ले सारा दिन प्यास नहीं लगती, कैसी बात है, आप हैरान हो जाएंगे, ये मैं नहीं कह रहा हकीम कहते हैं, सारे उलमा कराम कहते हैं कि ये आप इस्तेमाल करें आपको प्यास की शिद्दत नहीं महसूस होगी गर्मी के रोजों में, सेम यही फार्मूला हमने लगाना कबूतर को प्यास की शिद्दत ना महसूस हो, अब समझ आइए आपको इतना बड़ा आपको फायदा बताया। 100 बादाम 50 दाने सौंफ के 10 से 12 दाने आप सब्ज इलायची के उसमें डाल के खरल करके आपने उसमें 5
तीन पफ पहले मार ले अगर जरूरत पड़े, बस तीन पफ इनफ है। अगर जरूरत पड़े एक दो पफ और मार ले, चार पांच से ज्यादा पफ नहीं मारने। मैंने पहले बताया तीन पफ इनफ है, यानी कि इस स्प्रे के ऐसे एक दो तीन, बस ये इनफ बड़ा है इतना अर के गाजुबान खुराक के अंदर। अगर आप समझे कि नहीं अभी हार्ड है खुराक, फिर एक से दो और कर ले, ठीक है। 50 बादाम है तो उसके अंदर 25 दाने सौंफ, 5 से 7 दाने सबज इलायची के, और उसी तरह उसको करके खरल करके उसमें भी तीन पफ मार के उसका पेड़ा बना के छोटी गोलियां करके। अब आपने खुराक लगानी कैसी है, देखिए यार मैं आपको बताता हूँ, मैं खुराक जिस वक्त कबूतर उड़ के आता है मैंने संभाल का तरीका आपको बताया हुआ है। मैं खुराक तब नहीं देता, कबूतर बोझल हुआ होता है उसका मैदा भी, मैं उसे देसी घी के बोरे और हल्का सा वो जो दाना आपको बताया मैंने वो डालता हूँ, हल्का सा कबूतर चुग ले बस। ये खुराक जो होती है अगले दिन सुबह जब उसकी रेस्ट होती है ना, तब मैं सुबह सुबह अलग सुबह 8 बजे, मेरा टाइम है फिक्स्ड 8 बजे, मैंने गोलियां बनानी है। मैं हर कबूतर को 15 से 20 उसकी उसकी कैपेसिटी के मुताबिक, अगर कबूतर हल्का है तो 15, मैं चने की गोलियों वाली बात कर रहा हूँ, वो लंबी वाली नहीं कर रहा, 15 उसके वजूद हल्का है तो 15 गोलियां, बड़े वजूद का है तो 20 गोलियां। अब तो कबूतर वैसे ही मुँह खोलता है तो जी खा लेता है। आपने उसके बाद क्या कर रहे हैं, अब आपने गरम खुराक की दफा दूध दिया था 20 ml या 20 cc जो दूध आपने साथ देना है उसको आपने खिलाई इसको खुराक, और पीछे आपने जो दूध देना है सादा दूध देना है, इसमें आपने लौंग और आपने वो नहीं डालनी, मेरी बात हल्दी सुन ले मेरी बात, मैं आपको पते की बात बताने लगा, सुन ले लिख ले पल्ले बांध ले इधर दिल पे लिख ले जहां लड़कियों के नाम लिखे होते हैं ना ये मजाक की बात ही यार, मेरा मतलब है कि यहां पे आप लिख लें इस बात को। अच्छा अब इस पे आपने लौंग हल्दी वाला दूध नहीं डालना, इस पे सिंपल सादा 20 cc दूध उबाल के ना, उबालना जरूर है, कच्चा दूध कभी किसी सूरत कबूतर को ना देना, कबूतर बीठे करने लग जाएगा, आप आजमा के देख ले। उबाल के दूध को 20 cc आपने खुराक दी, 15 से 20 गोलियां दी, साथ 20 cc देके धूप में छोड़ देना है, ले कबूतर। अब कबूतर जो है ना ठंडक महसूस करेगा, उसका जिगर अच्छा महसूस करेगा, कबूतर की थकावट उतर जाएगी। ये था जी ठंडी खुराक का तरीका आपको बताया, गर्म खुराक जब मैंने आपको बताया था, गर्म खुराक की जब गोलियां बना के कबूतर को देते हैं तो साथ उसके हल्दी और लौंग वाला दूध देते हैं। यार ये मैं इतना क्यों डिटेल से समझा रहा हूँ, मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि यार ये उस्ताद, हमने आपको उस्ताद बनाना है। मेरे कई अभी भी मुझे कई व्यूवर्स मेरे कह रहे हैं यार हम आपके शिकायत बनना चाहते हैं, मैं यार तुम्हें उस्ताद बनाने के चक्करों में और तुम छोड़ो यार गोली मारो, किसी के मोहताजी नहीं। ओ जी मैं जा रहे हैं जी, अज पग पवान जा रहे हैं जी उस्ताद नूं, अज पवान यार मैं ये नहीं कहता, उस्ताद ही होनी चाहिए, शिकिरदी होनी चाहिए अच्छी, लेकिन यार डिसेंट होनी चाहिए। ये नहीं वो आपको कबूतर बेच रहे हैं, आपको बच्चे बेच रहे हैं, आपसे पैसे ले रहे हैं, खुराक के पैसे, नुस्खे के पैसे, जाफरान के पैसे वो मैंने क्या बताया था, कई उस्ताद कहते हैं जी जाफरान इतों नहीं आना, मैं तुम्हें दस रहा वो स्पेशली ऐ मेरा मुंडा जा रहे हैं अफ्रीका का शहर जो है ना इथियोपिया, वह पिंड है हुलुलुलु, उत्थे की कास्ट हैगी सिर्फ 50,000 रुपया तू पाना, बाकी सारे पान के ऐ सारा जाफरान आ जाएगा, आपने ये काम नहीं करना, ठीक है मेरी बात समझ गए हैं। अब आपको समझ आ गई ठंडी खुराक का तरीका, ये था जी ठंडी खुराक। इंशाल्लाह जी अगली वीडियो अब हम बनाएंगे कबूतर ठंडा करके कैसे उड़ाना है, बड़ी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, और आपको इंशाल्लाह उस्ताद ताबड़ तोड़ उस्ताद बनाना है आपको। अपना बड़ा ख्याल रखिए, मैं उस्ताद कुरैशी आपका होस्ट, देखिए मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं, गर्म खुराक कैसे करनी थी और जिसे कहते हैं ठंडी खुराक, गर्म खुराक के साथ लौंग हल्दी वाला दूध देते हैं, ठंडी खुराक के साथ सिंपल दूध देना, उसके साथ कभी गर्म दूध नहीं देना, सिंपल दूध देना है। अपना बड़ा ख्याल रखें, मैं उस्ताद कुरैशी आपका होस्ट व्लॉगर पिज़्ज़ा के साथ, इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलते हैं, और अगली वीडियो आपको ईद का तोहफा है, ईद वाले दिन रिलीज करूंगा, अपलोड करूंगा, आपने सबने देखने हमारे साथ रहे, चैनल सब्सक्राइब करो यार और हमें लाइक करें और सब तक ये पहुंचाएं पैगाम सारे करें इसको, तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।